बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे, तो फिर दुख कहां से जाएगा? 84 लाख में घूमा करेंगे। ये जो कुछ सर फिरे लोग कहते हैं माया मिथ्या है, संसार मिथ्या है, सब मिथ्या है, तो इनके लिए तुलसीदास ने कहा कि ये ऐसा भ्रम नहीं है जो बोलने से मिट जाएगा। रज्जू में सांप का भ्रम है, शुक्ति में रजत का भ्रम है, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरिजासो कृपालु रघुराई, उनकी कृपा से ही ये जाएगा भ्रम। अर्थात भगवत कृपा के बिना भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन, कुछ भी कह लो, असंभव है। ठीक, अब आप यहां आ गए कि भगवान को जानना कंपलसरी है और भगवान को जाना जा सकता है लेकिन भगवान की कृपा से, तो फिर हमारी छुट्टी। राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। अब जब वो कृपा करेगा तो फिर हम जानेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, हमको ये सोचना है कि क्यों जी ये अनंत जीवों पर कृपा हुई है, सनकादिक जनकादिक शुकादिक व्यासादिक, अभी कलयुग में तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम तमाम संतों पर, इन पर कैसे हुई, इन पर कृपा कैसे हुई? अब अगर इन पर हुई तो हम पर क्यों नहीं हुई? हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का? इसका मतलब कृपा में कोई शर्त है, वो शर्त जो पूरी कर दे उस पर कृपा होती है। वो शर्त क्या है पता लगाओ। अब आप साधना की कक्षा में आ गए, क्या करें कि कृपा हो? मेन क्वेश्चन। वेदों में 3 मार्ग बताए हैं, कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड। 80,000 वेद मंत्र कर्मकांड के और 20,000 में ज्ञान कांड उपासना कांड दोनों। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है इसका। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। 3 मार्ग हैं, ज्ञान कर्म भक्ति। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं, भगवान के अंश है ना। हाँ, तो भगवान सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। सत का स्वभाव कर्म, चित का स्वभाव ज्ञान, आनंद का स्वभाव प्रेम, ये हमारा नेचर है। 3, चौथी कोई चीज हम कर ही नहीं सकते, कर्म ज्ञान और प्रेम। हम संसार में कर रहे हैं वो बात अलग है, ना समझी है, लेकिन 3 ही कर्म करने का हमको अधिकार है, कर्म ज्ञान भक्ति।
वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। ग्यारहवें स्कंध के भागवत के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। तीन कांड हैं वेदों में, कर्म ज्ञान भक्ति। ठीक, अब एक को लो कर्म, उस पर विचार करें, फिर ज्ञान पर, फिर भक्ति पर। बहुत सावधान होकर सुनिए, संक्षेप में मैं बोलूंगा। कर्म किसे कहते हैं? उसी को धर्म भी कहते हैं। वेद प्रणहितो धर्म, भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। जो वेद में बताया है, ये करो ये करो ये करो, वर्णाश्रम धर्म, उसको कर्म कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये आश्रम। इनके लिए वेद में जो कुछ कहा गया है वो करो अगर विधि पूर्वक, तो उसका नाम कर्म धर्म। वो कर्म कैसे होता है, ध्यान दो। धर्म संपद्यते षड्भिः प्रधर्मस्तु विपर्ययः। ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। छह साधनों से धर्म कर्म का पालन होता है। छह छह। नंबर एक देश, जैसे मान लो यज्ञ करना है आपको, हवन कहां करना किया जाए, हवन कहा? अरे हमारे पंडित जी तो बस जहीं बैठ गए हमें करने लगे। हाँ ऐसा नहीं है। और कब किया जाए यज्ञ, समय का भी नियम है। और किस द्रव्य से किया जाए, वो सच्ची कमाई का है कि नहीं, मक्कारी से कमाए हुए पैसे का यज्ञ नहीं हुआ करता। और वो यज्ञ करने वाला कर्ता पूर्ण विश्वास रख रहा है कि जिस देवता को हवन कर रहे हैं वो बैठा है आगे। और सबसे बड़ी बात, वेद का जो मंत्र बोला जाता है यज्ञ में, वो स्वर सहित ठीक ठीक है? स्वर सहित का मतलब क्या? वेद में जो मंत्र है, अक्षर है, उन अक्षरों में स्वर होते हैं। उदात अनुदात स्वर, अगर वो न बोले जाए, खाली अक्षर बोले जाए, तो वो वेद मंत्र बोलने वाले यजमान का नाश कर देंगे। पतंजलि भाष्य में कहा गया, दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक वृत्रासुर राक्षस हुआ है, भागवत में सुना होगा आप लोगों ने, उसने यज्ञ किया, सब ऋषि मुनियों को बुला के जबरदस्ती पकड़ के, करो नहीं मार डालेंगे सबको। बेचारे डर के मारे आए। और मंत्र था इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, यानी इंद्र का शत्रु बढ़े, अधिक पावर का हो जाए। तो इंद्र का शत्रु कौन? वृत्रासुर। अपने लिए उसने कराया यज्ञ। अब ऋषि मुनि तो इंद्र की भक्ति करते हैं, उसको हवन देते हैं, अब बिचारे वही यज्ञ करे कि इंद्र मारा जाए।
लेकिन वो विद्वान नहीं था वृत्रासुर। तो ऋषियों ने कहा है चालाकी किया जाए, क्या शब्द तो यही रखो लेकिन आद्युदात्त को अंत्योदात्त कर दो, स्वर बदल दो। जैसे इंद्र और एक इंद्र, एक इंद्र, अलग अलग शब्द वही बोल रहा हूं मैं। ये स्वर होते हैं वेदों में, जैसे गायत्री मंत्र आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे, कुछ लोग जपते भी होंगे, उसमें स्वर होता है ना, वेद मंत्र है। तत् सो विधुर्वरेणीयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं भूर्भुवा जाता सप्तर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीम, ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये वेद मंत्र है। तो आद्युदात्त करने पर तो वृत्रासुर बढ़ जाता, इंद्र मारा जाता, वो इंद्रस्थ शत्रु उसका अर्थ होता है तत्पुरुष समास। लेकिन अंत्योदात्त कर देने से उसका अर्थ हो गया कि इंद्र बढ़े और वृत्रासुर मारा जाए, और यज्ञ हुआ और वृत्रासुर मारा गया। तो वृत्रासुर ने कहा, ओ भगवान मैं भी तेरी संतान हूं, तूने तो वर दिया, जो यज्ञ किया है वैसा वरदान दिया। तो भगवान ने कहा हां हां, तो तेरा मंत्र तो यही कह रहा था कि इंद्र बढ़े, तो इंद्र बढ़ गया, तू मारा गया। ये तो ऋषियों ने गलती की, तो तेरे ही तो है वो पुरोहित, उसके जिम्मेदार तू है, दंड भोग, मरे मरना पड़ेगा तुझको। इतना कठिन नियम, मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर के एक स्वर में गलती कर दिया तो, और विधि में गलती हो गई तो यजमानम, यजमान का नाश कर दे, वो नरक मिलेगा मरने के बाद। और जहां तमाम गड़बड़ हो, मक्कारी से कमाए हुए पैसे का द्रव्य आया है और कर्ता ओंघा रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, साफ अनाप सनाप हो रहा है, शत कुंडी यज्ञ, सहस्त्र कुंडी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं आजकल। और संत लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये कर्म धर्म के चक्कर में न पड़ो, हम नहीं सुनते। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, महात्मा लोग रोक रहे हैं। इस समय हमारे संसार में द्रव्य भी सही नहीं, कर्ता भी सही नहीं, मंत्र भी सही नहीं, इतने नियमों का पालन कौन करेगा। अच्छा चलो, अगर कोई कर ले तो ध्यान दो। फिर चलो वेदों में, मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा मैं बताऊं, अगर कोई विधिवत यज्ञादि कर ले तो क्या मिलेगा। प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथा अंधा अविद्यायां बहुधा वर्तमाना भयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे मम लोकम हीनतरं वा विशन्ति। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं सा गुरुमेवाभिगच्छेत्
समित्पाणी सोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, बारहवां मंत्र। ये सब मंत्र कह रहे हैं कि इस विधिवत ही कोई कर ले कर्म धर्म का पालन तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग वो नश्वर है, घोर मूर्ख जो होता है उसको स्वर्ग मिलता है। प्रमूढ़ा वेद कह रहा है, घोर मूर्ख, मामूली मूर्ख नहीं। और हम लोग कैसे हैं, अपने बाप को मां को स्वर्गीय पिताजी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी वो घोर मूर्ख थे, बड़े पापात्मा थे, इसलिए स्वर्ग मिला उनको। ऐसा हम लोग तारीफ करते हैं। स्वर्गीय, स्वर्गीय सब जगह लिखा, हम लोग जानते ही नहीं वेदों में क्या लिखा है। और चलिए आगे, कठोपनिषद आया, उसने कहा मैं बताऊं, शोभावा मर्त्यस्य यदंत कई तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयंति तेजा, एक एक 26 कठोपनिषद। अपि सर्वम जीवित मल्पमेव, अरे स्वर्ग तो नश्वर है, 4 दिन का है, और वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब। हमारी मृत्युलोक में कोई यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने को हुआ कि इंद्र को घबराहट हुई, ये हमारा इंद्र पद ले लेगा, इसके पास अब पूर्व अप्सरा भेजो, उर्वशी मेनका इसको भ्रष्ट करो। ये ईर्ष्या स्वर्ग में, सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, हो स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वो बेचारा परेशान है काम क्रोध लोभ मोह। एक बार भगवान स्वर्ग में गए, इंद्र आया बड़े स्वागत के साथ, महाराज बड़ी कृपा की आपने। उन्होंने कहा हमने कहा जरा देखें क्या हाल है स्वर्ग का। अच्छा बेटा बर मांगो, भगवान ने कहा। तो इंद्र ने कहा ऐसी सुंदर लड़की दो जैसे कहीं न हो। भगवान ने कहा देखो मूर्ख को क्या मांग रहा है। तो भगवान ने हजारों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से। उसने पहली लड़की देखा और ने कहा इसी को दे दो। आप लोगों ने नाम सुना होगा उर्वशी, वो उस लड़की को लेके अपने गुरु के पास गए इंद्र, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा ये तो कोई नई लड़की है, स्वर्ग की नहीं है, ये कहां से आई। कहा गुरु जी ऐसा है कि भगवान मिले थे तो हम, उन्होंने कहा बर मांगो, तो मैंने मांगा। तो
राधे गोविंदा।